मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा स्नैक्स का नाम है सॉसेज रोल। वो हम किसका बनाएंगे, क्विक रेसिपी है, पराठा रेडीमेड हम लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कोई भी आप ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मनसलवा की है। तो सबसे पहले आपको एक पराठा चाहिए, इसको आप डीप फ्रॉस्ट कर लेंगे। इसको आप एयर फ्रायर में भी इस्तेमाल कर सकते हो बेक करने के लिए, और अगर आप चाहें तो इसे अवन में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बनाऊंगी यहाँ पे अवन में 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4। हीट आप जो है अवन की ऑन कर लें ऊपर और नीचे से। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला काम, पराठा हमने डीप फ्रॉस्ट कर लिया हुआ है। सबसे पहला काम यहाँ पर जो है रेडीमेड आपको जो टमाटो की प्यूरी ट्यूब्स में मिलती है ये हम लेंगे। इनकी जो मिकदार है कुछ नहीं खास, नहीं आपने हिसाब से ही डालना होगा। आप देखेंगे तो सिर्फ जो इसका मिडल का हिस्सा है उसमें आप इसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे। समझे मैंने टीस्पून जितना इस्तेमाल किया, तो जितने भी आप सॉसेज रोल्स बनाएंगे उस हिसाब से आप जो है 1 टीस्पून समझ लें इस्तेमाल होगा। बीच में आप एक सॉसेज रखेंगे, कोई भी इस्तेमाल कर लें, चिकन, बीफ, ठीक है, टर्की। उसके बाद बीच में हम डालेंगे मोज़रेला की चीज़। अगर आपने चीज़ नहीं डालनी है, ये सॉस नहीं डालना है, तो आप इसको प्लेन भी बना सकते हो। अब आपने जो है इसकी जो साइड्स हैं ये उठानी है और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह, ठीक है, प्रेस हल्का सा कर लें। और उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली डीफ्रॉस्ट हो गया हुआ है, सॉफ्ट हो गया हुआ है, यहाँ से आप उठाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यूं ही फोल्ड करते हुए आप फॉरवर्ड इसको ले जाएंगे यूं। इसलिए जो इसकी प्लास्टिक की शीट्स आपको मिलती हैं ये पहले से डिस्कार्ड मत कीजिएगा, इसी पे रहने दें और फिर आपके लिए आसानी होगी इसको हैंडल करना, क्योंकि जिससे जैसा डिफ्रॉस्ट होता है ये काफ़ी नरम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनको तैयार करते हैं। एक बेकिंग ट्रे ले लें और उसके ऊपर यूं करके आप सॉसेज रोल को रखते हो। ठीक है, और फिर इसके ऊपर आप अंडा ब्रश करेंगे, तो एक अदद अंडा ले लें और उसको बीट कर लेते हैं। अंडा जो है आपने अच्छी तरह इस पर ब्रश कर देना है। इससे एक बड़ा खूबसूरत सा ग्लेज आता है इस पर, गोल्डन सा कलर और क्रिस्प हो जाते हैं। इसी के से ये ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे गार्निशिंग के लिए। चुटकी भर चीज़ें डाल रही हैं आपके सामने, चुटकी भर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें और चुटकी भर ही आपने इस पे डालना है ओरिगानो। अब इसमें से आपको जो चीज़ डालनी है डाल लें, जो आप नहीं पसंद करते या नहीं है वो आप ना डालें। ठीक है, तो कुटी हुई मिर्च मैंने इस पे डाली है, ओरिगानो डाला है और तेल डालें। इसी के साथ मैं आपको तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें, इसी के साथ आप इन्हें तैयार करते हैं। अब आप इन्हें प्री हीटेड अवन में डाल करके बेक करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए, और जब तक कि आप देखेंगे इस पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाता है और ये क्रिस्प हो जाते हैं। ठीक है, इसकी साइड्स अगर अच्छे से सील कर लीजिएगा। अंडा ब्रश हो गया, आपको चीज़ें दिखा दी जो आप इस पर डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो बीच में डिफरेंट सब्जियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे स्वीट कॉर्न, मशरूम्स हो गए, ये वो। ठीक है ना, ये चीज़ें बीच में जा सकती हैं। तो ये मैं बेक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। बेक हो जाने के बाद आप इसको सर्व कीजिएगा मेनीज के साथ, केचप, जो आपका दिल चाहे। एक तक को काट कर भी दिखा देते हैं कि ये देख लें, परफेक्टली डन। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। क्विक रेसिपी है, रेडीमेड चीज़ें लाएं। ख़ास तौर पे ये रेसिपी जो आपको काम आती है रमज़ान में, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, वरना रमज़ान में आपको पता है काफ़ी काम होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं। तो ये उन बहनों बच्चों के लिए कि जिनके पास टाइम नहीं है वो जल्दी बना सकती है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cook with faiza.net पर। बनाइए तो आप कैसा लगा तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।